दोस्तों राम राम सभी को। और आ गए वह अपने ससुराल। और ये देखो कृष्ण जी भी सुबह पहले आ गए गुड़गांव से, क्योंकि आज इलेक्शन है और वोट डालेंगे। और ये वोट डालने के लिए आ गए। मैं तो वोट डालना बहुत जरूरी है, इसलिए वोटिंग के लिए आया हूँ स्पेशली। और आज जिताते हैं बाबा बालकनाथ को। जय हो बाबा। मैंने तो मना किया था और पूरी नाइट ड्यूटी करके आए। ये मैं नाइट ड्यूटी करोगे आप मत आना, रहना देना। लेकिन सुबह पहले पहुंच गए, देख लो। मैं तो अपने झाड़ू पोछे में लगी हुई थी, आते भाई वही अपने झाड़ू पोछे की बागडोर संभाल ली। देखो झाड़ू तो लगा दी, पोछा लगा दी, मेरे भाई पर रखा। लगाते हैं भाई, साहब पहुंच गए। स्कूटी अभी चार्ज लगाओगे क्या? तो गर्म पानी भी तो चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो भाई अपनी स्कूटी चार्ज लगाओ, तो गर्म पानी कहीं और लगा देंगे। हटा रहे, रुक जाओ। बाकी जीने में चढ़ाओगे इसको? भाई धन्नो भी हमारी फैमिली में एक मेंबर है समझो। इसके बिना कृष्ण जी की जिंदगी तो है अधूरी। क्यों, सही बात है ना? देख मतलब ये बंदा अगर गेट से बाहर निकला है ना, तो इसने लेके चला अपने साथ। आते अभी स्कूटी चार्ज लगाएगा और स्कूटी चार्ज करते ही पर मतलब दूसरा काम बाद में, पहले अपनी स्कूटी चार्ज। मैं भी फटाफट झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, फिर जाएंगे वोट डालने के लिए और फिर अपना सामान का एडजस्टमेंट करेंगे। भाई रात को नींद आ रही थी तो सो गई थी, कुछ भी नहीं हो पाया। और सामान कपड़े लगते हैं सब ऐसे बिखरा हुआ है, तो उसको सेट वेट करेंगे अब। और आज तो बच्चों को ट्यूशन भी करवाना है, कई दिन की कर दी छुट्टी, मौज मस्ती बहुत हो ली। अब अपना दोबारा सुसी रूटीन में आ जाते हैं भाई। तो मैं पोछा लगा लेती हूँ। पतंजलि ने हमें पहले बर्बाद कर दिया है और अब दोबारा। टाइम हो रहा है 11 का और अब आई नहा के फ्री हुई हूँ। कपड़े देखो कितने धुलाए हैं मैंने, पूरी धुल गई है, पूरी धुल गई है, पूरे कपड़े धुल दिए। सारी छत वत ऐसी बेकार हो रही थी, वहाँ के सारा झाड़ू पोछा भी, खाना भी नहीं खाया। खाना खाऊंगी फिर वोट डालने के लिए जाऊंगी। और कृष्ण जी तो सो रहे हैं अभी, देखो। ये सोए हुए हैं अभी कहीं ना, सुबह से ना तो वोट डाल के आया है और ना सोया है, और फिर कह रहा नाइट ड्यूटी नाइट ड्यूटी, कुछ ना करे ये। और भाई बहुत दिन हो गया, अब अपनी किताब याद कर रही है। देखो अब पढ़ना है और पढ़ाना है, आ जाएंगे बच्चे ट्यूशन के लिए। बहुत दिन कर ली मौज मस्ती, अब सारी मौज मस्ती ख़त्म और अपना काम उसी रूटीन में शुरू। अब मैं पढ़ लेती हूँ थोड़ी देर। मैं वोट डालने के लिए जा रहे हैं। ये अपना आधार कार्ड, ये अपना वोटिंग कार्ड और ये अपनी पर्ची। और अब जा रहे हैं वोट डालने के लिए। हमारी वहाँ, क्योंकि मैं उसी स्कूल में पढ़ाती हूँ ना, तो मैडम उनके लिए चाय बना के लिए जा रही थी उसमें। और अब चलते हैं, कृष्ण जी भी जा रहे हैं, दोनों जा रहे हैं वोट डालने के लिए। मैं वोट डाल के आ गए हैं, ये देखो अपना वोट। और कृष्ण जी वोट डाल के चले गए हैं ड्यूटी। और आज तो मैं पूरी तरह घुटी हुई हूँ, शादी में ठंड लगी बुरा। देखो आँख भी ऐसी हो रही है लाल बिल्कुल, जुकाम में कति। आज तो पढ़ाया भी नहीं गया, बस 1.5 घंटा ही पढ़ाया, बच्चों को छोड़ दिया। फिर मैंने बिल्कुल सर में दर्द हो रहा था, मैंने कहा भाई अब जाओ, तबीयत नहीं है बिल्कुल पढ़ाने की। कृष्ण जी तो चले गए भाई ड्यूटी, क्योंकि जाना था। अब वो आएंगे सुबह। और मैंने अब टैबलेट लिए, देखो आँख में भी आज तो पानी आ रहा है बार बार। मैं कि थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर जाऊंगी प्लॉट में। और भाई आप लोगों ने भी सबने वोट डाल दिए होंगे, वोट तो डालना ही चाहिए भाई। जिसके पास वोटिंग कार्ड है वोट तो डालना चाहिए।